हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में A415 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ले रहे हैं। 1 से 50 तक की वीडियो पिछली दो वीडियो में मिल जाएंगे आपको। 1 से 50 तक के क्वेश्चन 51 से 75 तक के इसमें डिस्कस करते हैं। 1 मार्च 1776 ईस्वी को कौन सी संधि संपन्न हुई? तो 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि जो है संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वायसराय ने पुरातात्विक अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने दिखाई, और इनको जो है इन्होंने 50,000 पौंड की राशि भी जो है सैंक्शन की थी। और पुरातात्विक अवशेष भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक जो है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की, और ये 43 प्रतिष्ठान शिक्षा प्रतिष्ठान चलाता है, यानी कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था ने जनता और सरकार के मध्य सबसे नज़दीकी संबंध स्थापित किया? तो ये रैयतवाड़ी प्रथा थी, जिसने जनता और सरकार के मध्य सबसे ज़्यादा क्लोज संबंध, नज़दीकी संबंध स्थापित किया। महालवाड़ी व्यवस्था भारत के किस प्रांत में लागू की गई थी? महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था। प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज की 80% निर्धारित की गई थी। जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता है जमींदारी व्यवस्था में। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके दो पुत्रों के साथ किसने बंदी बनाया था? तो मेजर हडसन ने बनाया था। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन, दिल्ली जो है वो जॉन निकोल्स का संबंध है, लखनऊ से जो है जनरल नील का संबंध है, झांसी से सर हुज रोज का संबंध है, और इलाहाबाद से जो है वो तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ए ऑप्शन अच्छा सही ऑप्शन है। तांतिया टोपे को कब फांसी पर चढ़ाया गया? 18 अप्रैल 1859 में, यानी कि 59 में चढ़ाया गया, शिवपुरी में चढ़ाया गया। क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल भरोसेमंद हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, मुझे भी आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र है। किसने कहा था कि रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान व प्रिय था? तो रिपन को एक तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, और रिपन के बारे में ये बात मदन मोहन मालवीय ने कही थी। लॉर्ड लिटन को भारत का वायसराय किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया? तो लॉर्ड लिटन को भारत का वायसराय बेंजामिन डिजराइली ने 1875 में नियुक्त किया। पीसी इल्बर्ट कौन थे? पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन सा वायसराय था? अभी बताया ही था, लॉर्ड रिपन जो थे वो स्थानीय स्वशासन के जनक थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण लगाना। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था? तो कार्लाइल सर्कुलर जो है वो शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सर फ्रेडरिक चार्मर्स बॉर्न बने थे। 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन है? सर सी स्कॉट मॉनग्रिफ हैं। किस वायसराय ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था? तो लॉर्ड विलिंगडन ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1942 पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अंबा प्रसाद नहीं, प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद हैं। अब ये आपको मिलाना है, तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो युद्ध में मारी गई थी, तांतिया टोपे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, फांसी दी गई थी, नाना साहब नेपाल को चले गए थे, और बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित हो गए थे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? तो SP सिन्हा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है नियुक्त किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो है ये प्रणाली 1909 के एक्ट के, इसमें देखिए सही निशान नहीं लग रहा है, 1909 के एक्ट के द्वारा पारित की गई थी।
तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली हिट ए लाइक टू माय वीडियो एंड काइंडली शेयर द वीडियो अमंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप नोटिफिकेशन मत ऑन करिएगा क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।